बोल, एक बार बोल दे यार, एक बार बोल दे। मैं ना बोले, अपनी मर्जी से बोल लिया कर। तो भाई दोस्तों, अभी सो गए थे हम आके ऊपर, अभी उठे हैं। और शाम के क्या टाइम हो गया भाई? अभी टाइम हो गया 6:17, 6:17 हो गए। और अभी का ये नज़ारा भाई, यहाँ का जगह का हम पहुंच चुके हैं। कौन सी जगह है भाई? ये हिटोटिया है। हाँ, कहाँ पड़ता? पौड़ी ये में। अपना पौड़ी में। तो भाई यहाँ पहुंच चुके हैं, भाई का गांव है इधर। अभी रास्ता बना नहीं है गांव तक, रास्ता बनने लग रहा है। आप देख सकते हो कच्चा रास्ता है और आगे ये लैंडस्लाइड हो रखी है, पत्थर गिरे हुए हैं। तो अपनी गाड़ी हमने वहाँ लगाई है, वो सामने। ये हमने गाड़ी लगाई अपनी, अभी पैदल पैदल हम गांव में ऊपर पहाड़ चढ़ेंगे ये पूरा। भाई यहाँ टूरिस्ट वूरिस्ट तो कोई नहीं आता। अभी सड़क नहीं आई है गांव तक, जिम कॉर्बेट से ऊपर जाके है काफी। तो आप सबको ऊपर जाके दिखाएंगे कि गांव कैसा है। यहाँ की सड़क तो मैंने दिखाई दी, अभी सड़क बन रही है, धीरे धीरे बनेगी। कैसा लग रहा है मनीष भाई, अपने गांव इतने सालों बाद लौट के? बहुत अच्छा है। 14 साल हो गए मैंने, 14 साल हो गए फिर भी सड़क नहीं आई। यही लगे नहीं, अब बन रही है, अभी भी टाइम लगेगा धीरे धीरे। भाई ये पहाड़ चढ़ के गाँव है भाई, पूरा का पूरा। नीचे नदी है, देख भाई देख के चलियो, पूरा का पूरा पहाड़ गिर रहा है। मैं तो आराम से आऊंगा, आप भी देख लो भाई साहब, कसुत्ता है, कसुत्ती जगह है। हाँ भाई, भाई के घर पे पहुंच चुके हैं, बस थोड़ी सी और चढ़ाई बची है। और भाई नज़ारे तो बढ़िया आपके गांव के हैं, पूरा पानी वानी सब चल रहा है। ये देखो भाई, ये नज़ारे है भाई यहाँ के, नेचुरल पूल। ये चढ़ाई है भाई के गांव की, ना कोई गाड़ी जाती, ना कोई बाइक जाती, ना स्कूटर जाता। नीचे 4 किलोमीटर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, फिर ऊपर 4 किलोमीटर की चढ़ाई है पहाड़ की। ये भाई जा रहे हैं ऊपर, ये पहाड़ है यहाँ के नज़ारे। ये लो भाई, फाइनली पहाड़ चढ़ गए, आ गया घर, पुराने जमाने का घर है। बहुत लंबी चढ़ाई, वो ऊपर घर रहे। ये सारे घर है ऊपर, पहाड़ में पहले बार आए थे भाई।
यहाँ के घर। ये यहाँ की पैड़ी लगाड़ रखी है पत्थर की, इस पर चटकाओगे। बहुत छोटी गाय है यार यहाँ की, यार भैंस भी छोटी है। हाँ वो इसलिए कॉम्पैक्ट साइज में होती है ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़े साइज की गाय और भैंस। बहुत छोटा सा ये इसमें वीडियो में तो तुम्हें फिर भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पर सामने से तो भाई बहुत छोटा सा बच्चा है ये गाय का। और भाई क्या नज़ारे है, गजब नज़ारे है। मतलब वीडियो में तो बता ही नहीं सकते भाई तुम इस जगह की ब्यूटी को, जब तक सामने से ना देख लो। बहुत गजब दिख रही है जगह, बहुत ज़्यादा गजब, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो रखा है। चारों तरफ भाई ये गांव चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है, उसके बीच में ये घर है, वो देख रहे हो आप घर, वो भी ऐसे ही है, ये सारे पहाड़ों के बीच में ऐसे ही है सामने वाला है। ये भाई घर देख लो, छोटे से कुटिया बना रखी है छोटी छोटी। ये धूमनी कर रखी है ताकि मच्छर वच्छर ना आवे, मच्छर वच्छर से इनका बचाव हो जाए। स्टेप फार्मिंग हो रखी है पूरे में। ये तो दोहरा आवे है दूण मारेगी। ये छोटी सी गाय, चल भाई मिलते थोड़ी देर में आपसे भी। ये रास्ता भाई छोटा सा बीड़ा सा, बहुत नॉर्मल लाइफ है भाई यहाँ की, बहुत ज़्यादा नॉर्मल लाइफ है लोगों की, बिल्कुल शहरी विकास से दूर। ये यहाँ का छोटा सा बाथरूम। तो कहाँ चल रहे भाई अब हम चल रहे हैं भाई जी हमारे पूर्वजों के गांव में, जहाँ अभी आपका गांव और आगे है क्या, जहाँ पर हमारे इष्ट देव का मंदिर है, जहाँ पर हम उनसे मिलने जाते हैं भाई। ये यहाँ के घर है पुराने, देख लो। ऊपर चढ़ के और गांव है, ऊपर भी और घर है थोड़े थोड़े इनके, और भाई का मनीष भाई का घर भी ऊपर है। यहाँ पे जैसे ये पत्थर है तो बरसात में ना कई बार ऐसा हो जाता है साचा, जैसे किसी का खौफनाक सा मुंह भूत वगैरह, तो मैं नीचे से भागते हुआ आ रहा था, एकदम से मैंने देखा मैं डर गया, दो दिन तक बुखार में पड़ा रहा। अच्छा भाई बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है यहाँ की। अभी भाई के और ऊपर में मकान है, वहाँ पे जाने लग रहे हैं चढ़ के। नज़ारे बहुत गजब है भाई, बहुत गजब नज़ारे। मतलब मैं बार बार अगर इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो सच में बहुत अच्छी जगह है, और उन लोगों के भी लिए भी बहुत अच्छी है जिनको ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। कति सीधी खड़ी चढ़ाई है। अभी हम काफ़ी ऊपर है, यहाँ से दिखे शायद। काफ़ी ऊपर आ गए, बहुत नीचे है, देख रहे हो कितनी नीचे। ये भाई के गांव की तरफ पहुंच गए हैं। नीचे भी भाई बहुत तगड़ी जगह है।
भाई बस पहुंच लिए हैं यहाँ पे। अब सामने कुछ घर और दिखाई दे रहे हैं भाई के, वहाँ पे चल के देखते हैं क्या चीज़ है। मतलब यहाँ तो रुकन की जगह है यार, अगर किसी को दमा भी होगा ना वो बंदा यहाँ के 3 महीने रह ले, उसका दमा वमा सब दूर हो लेगा। गजब जगह है, सारी बीमारियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से सारी चीज़ें दूर हो जाएगी अगर कोई बंदा यहाँ आके 2-3 महीना रह ले। हाँ बस ये चीज़ है कि खाने की जिस तरीके से आप लोगों को शहरों के अंदर खाना मिलता है वो चीज़ की थोड़ी कमी रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे बस आपको आपका ही लोकल खाना मिलेगा, नॉर्मल जो यहाँ का है, दाल चावल रोटी। ये पुराना घर आ गया भाई पूरा ही, ये पुराना घर है हमारा, बहुत पुराना, मेरे दादाजी ने बनाया था। ये वाला आपका घर है? घर है भाई, ये भाई का पुराना घर है, इनके दादाजी ने बनाया था, देख सकते हो। अभी नीचे जो हम रुके थे, जिनके घर पे हम सोए थे, वो चाचा जी थे जो नीचे थे, उनका घर नीचे था तो नीचे ही सो गए थे, ऊपर ज़्यादा थके हुए थे तो इसलिए आए नहीं हम ऊपर। ये यहाँ पे हर जगह एक तो माल्टा के और एक अखरोट के पेड़ है। ये देखो सामने भी ये जितना बड़ा पेड़ दिख रहा है ये अखरोट का है, ये नीचे है ये भी अखरोट का है, अखरोट की खेती है यहाँ पे काफ़ी। दूसरा ये माल्टा के लगे हुए हैं और ये कई कई जगह पे भुट्टे भी लगा रखे हैं, ये भुट्टों के भुट्टे हैं ये, ये देखो ये लगे पड़े भुट्टे। भाई यहाँ पे तो पहाड़ पे जितना चढ़का आ जाओ उतना कम है। अभी नीचे थे तो ये जो घर थे ये सबसे ऊपर दिख रहे थे, अब इनके लेवल पे आ गए हम तो इसके ऊपर भी और पहाड़ दिख रहा है। देख सकते हो आप पहाड़ के ऊपर पहाड़, जितना ऊपर चढ़ोगे उतना ऊपर और पहाड़ दिखेगा। अब जहाँ पे हम नीचे अभी थे वहाँ से वो ज़्यादा ऊंचा लग रहा था पहाड़, अब ये देखो ये भी है, फिर इसके पीछे वो जगह रही ऊपर, बहुत ऊपर भाई, बहुत ऊँचे पहाड़ है। और दूसरा भाई पानी की भी कमी नहीं है, पानी जो पीने का है वो भी सीधा पहाड़ों से आ रहा है, बढ़िया मीठा पानी, ना किसी आर ओ की ज़रूरत, ना किसी जल बोर्ड की लाइन की ज़रूरत, सीधा पहाड़ों का पानी है, साफ बिल्कुल मीठा। अभी पिया था हमने, क्यों भाई कति मीठा पानी था ना, बिल्कुल कति मीठा पानी था, मजे आ गए, पूरे मजे आ गए थे भाई, एक नंबर पानी था मीठा। मतलब कोई बंदा 3 महीने यहाँ रह लिया ना उसके एक तो सर्विसिंग हो जाएगी यहाँ पूरे अंदर, तो सर्विस हो जाएगी देगी। बोल एक बार, बोल दे यार एक बार, बोल दे ना, बोले अपनी मर्जी से बोले। कती छोटी सी है ना, कती छोटी सी है, ठा के गाड़ी में गिर ले, कुत्ते जितनी है। कुत्ते भी इससे बड़े होते हैं दिल्ली में। भाई जो अखरोट का पेड़ दूर से दिखा रहा था मैं आप सबको, वो देखो ये आ गया, अखरोट भी लगे हुए सारे हरे हैं। ये अभी वो है, वो बड़ा वाला पेड़ है ना, वो बड़ा वाला, हाँ वो हमारा ये। अच्छा तो भाई ये इसका मौसम कब होता है इनको निकालने का? अगले महीने तक पक जाएंगे सारे? ये कच्चे वैसे निकलेंगे। कैसे कैसे निकलेंगे? भूरे निकलेंगे, भूरे। अभी तो हरे हो रखे, भूरे हो जाएंगे फिर। अच्छा तो हर साल सितंबर के महीने में निकलते हैं ये? अच्छा कितने हो जा रही है? 3-4 कट्टे निकलते हैं एक पेड़ का, उस पेड़ में निकलते थे 7-8। भाई देखो वो नीचे जो है वो वाला है, ये वाला जो है ना, ये वाला भाइयों का बहुत बड़ा पेड़। तो अभी कहाँ जा रहे हैं भाई?
किस चीज का पानी? ये सोत का पानी, अंदर चाटा पानी। अच्छा, तो भाई देखो ये वाला पानी जो है ये गिर रहा है, जो हाथ लगाओ उसमें, हाथ लगाओ। अच्छा, ये ऊपर पहाड़ से आ रहा होगा सारा। हाथ लगाओ हाथ। अरे भाई कति चिल्ड पानी है। ठीक है देखते हैं भाई। पेट खुल जाएगा। भाई अपने दिल्ली में आरओ का पानी है ना, वो भी फेल है। वही तो, मतलब आरओ भी इतना मीठा नहीं कर सकता जितना मीठा पानी है। तो अंदर तक पता चल रहा है सारी शुद्धता का। ये सब बीमारी का खत्म है, जड़ खत्म कर देता है। ये क्या बना रखा है? ये होद है, टैंकी है। अच्छा, इसमें भरता है पानी? इसमें नहीं भरता, डायरेक्ट आता पाइप से ऐसे। अच्छा, जब कभी बाई चांस कभी पाइप टूट गया ना, ये भर जाता है। अच्छा, ये वैसे कवरिंग फायर के लिए ना। अच्छा, तो भाई ये होद बना रखी है। पानी बहुत मीठा है, ऊपर से आता है पूरा अंदर अंदर पानी, फिर इस टंकी में, टंकी से फिर यहाँ पे। ये बांझ का पेड़ होता है। अच्छा, इसके जड़ों से आता है पानी इसकी। हाँ चाचा, ये अपने गांव का क्या नाम है इस जगह का? खिटोटिया पौड़ी में पड़ता है ये। अच्छा, तो आप लोग तो डेली चढ़ते होंगे ये पहाड़? बकरी गाय चराने के लिए ना। इसको इसको चाचा कितना टाइम लग जाता पूरा ऊपर टॉप पे चढ़ने में? एक घंटा। एक घंटे में आप चढ़ जाओ बकरियों के साथ? मैं चढ़ जाऊंगा आधा घंटे में। आप आधे घंटे में चढ़ जाओगे ये पूरा पहाड़? क्या बात है, ये दिखने में कितना छोटा सा लग रहा है, लेकिन जब चढ़ने लगेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ किसे कहते हैं। भाई दिख रहा है वो, दिखने में पास लग रहा है, पर जैसे जैसे ऊपर चढ़ाई करेंगे तो बहुत दूर है। ये चोटी पे जाके फिर ऐसे चलने के बाद उस तरफ। हाँ जी, इस पहाड़ के इस पहाड़ के परली तरफ भी वो होगा चाचा, गाँव इसके पीछे। हाँ है ना, हर पहाड़ के पास एक गाँव है, पीछे आगे बहुत बड़ा गाँव है, बहुत गाँव है इसके पीछे, ऊपर ही रहते थे, वहाँ से। हाँ वो देखो वो रहे ऊपर, इस वीडियो में पता नहीं दिखे ना दिखे, ये यहाँ पे ऊपर घर है। चिड़िया है इसमें, मिट्टी से अपना घोंसला बनाया हुआ है और अपने बच्चों के साथ ही यहाँ रहती है। कौन सी वाली चिड़िया है? आ जाओ छोटी चिड़िया है। चाचा ये जो अखरोट के पेड़ है यहाँ पे, ये एक पेड़ में कितना माल निकल जाता है? एक पेड़ में 60 किलो। 60 किलो के करीब। अच्छा, तो क्या करते हैं यहाँ पे लोग, नीचे मार्केट में बेचते हैं या आपस में? आपस में, या आपस में ही लेना देना करते हैं? आपस में ही लेना देना। अच्छा, मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, तो कोई आता भी नहीं यहाँ पे खरीदने के लिए बाहर का? ना, बाहर का कोई नहीं। अच्छा, और सब्जियाँ वगैरह कैसे होती है? सब्जी ऐसी होती है, खेती अपनी। अच्छा, तो सारी खेती तो सारी हो जाती होगी, हर फसल है? मीठा पानी है पूरा और मीठी सब्जी। पानी से तो आप नहा नहीं सकते हो गर्मियों में भी उस पानी में। अच्छा, ठंडा पानी है? नहीं, ठंडा तो है, पूरा ठंडा है। और माल्टा का क्या है यहाँ पे, माल्टा का क्या करते हैं? माल्टा बेचते हैं या अपना खुद ही उसको भी अपने उसमें? बस अपने। ये तो बहुत ज्यादा तादाद है, इतने का करते क्या आपस में? और लोग यहाँ रहते नहीं है, और वो देते हैं रिश्तेदारों, दूसरे पहाड़ पे है लोग तो है ही नहीं, क्योंकि आप ही है यहाँ पे। 5-6 घर दिख रहे हैं, इसमें 3 ही आदमी दिख रहे मुझे, और लोग कहाँ चले गए? दिल्ली में जैसे ये है, ये भी लड़का दिल्ली रहता है, दिल्ली रहता है। तो कब आते हैं ये? आते हैं कभी या शादी में आते हैं? दो वो तो आते हैं, वो भाई साहब अभी गए, वो भाई तो आते हैं। तो ब्याह शादी कहाँ करते हैं यहाँ पे? यहीं पे घर। अच्छा, यहीं कर देते हैं? अच्छा, इतनी सी जगह में नीचे जाने की जरूरत नहीं? अच्छा, टेंट वेंट तो गांव से आ जाता है, ये सामान है, पंचायत सामान गांव का, सारा सामान गांव का। और ये बोल रहे थे अभी नीचे की बाग वाग आ जाता है यहाँ पे? वो तो वहाँ है उस वाले पहाड़ पे। हाँ। अच्छा, कुछ हादसे हुए बाघ के? आज कल कुत्ता ले गए,
कल आया था। अच्छा, और कौन से जानवर आ जाते हैं? ये सुअर है, जैसे बंदर है। अच्छा, भालू वगैरह? हाँ ये भी आता है। इधर देखा अपने अपने घर के आसपास भालू? बिल्कुल, ये तो ये इनको खाने को आता है, भुट्टे खाने को। ये जब हो जाएंगे ना ये, हाँ रात को आता है यहाँ पे, आ जाता है इस जगह पे। हाँ, जाम बैठे। हाँ। अच्छा, तो आपने देखा कभी भालू को? अच्छा, क्या बात है, मतलब सारी चीज है यहाँ पे, खाने को। फसल ले लो, फसल हर तरह की होती है भाई, मिर्च है। जानवर को इसी तरह का ले लो, वो भी यहाँ पे आ जाते हैं, बाघ, भालू, चीता, तेंदुआ। चीता तो नहीं है, खैर तेंदुआ है। और कौन सा है यहाँ पे, काकड़? एक काकड़ बोलते हैं किसी चीज को। काकड़ किस तरह का जानवर है? जंगली जानवर है। कैसा दिखता है वो? लाल लाल, लाल कलर। हिरण जैसा दिखता है क्या? हिरण नहीं। हिरण भी आते होंगे फिर तो यहाँ पे भाई। हिरण, बाघ, तेंदुआ, काकड़, अपना बंदर, भालू, मतलब हर तरह के जानवर है यहाँ पे। और पानी बहुत अच्छा है। तो फिर भाई चलो, आप सबसे अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सारे भैया ने जय हिंद, राम राम, जय श्री राम।